और अब इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक से 5,70,00,000 के नए नोट बरामद किए गए हैं। कर्नाटक में एक हवाला कारोबारी पर यह छापेमारी हुई है। इस छापेमारी में 5,70,00,000 के नए नोट जब्त किए गए हैं। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, बाथरूम, बाथरूम के अंदर टाइल, टाइल के पीछे छुपाया गया था ये काला धन। 5,70,00,000 के ये नए नोट जो बरामद किए गए, बाथरूम, बाथरूम के भीतर टाइल, टाइल के पीछे ये काला खजाना छिपाकर रखा गया था। 32 किलो सोना भी बरामद किया गया है। तो कोई सोच भी नहीं सकता था किस तरीके से बाथरूम में टाइल के पीछे तहखाना बनाकर इस काले खजाने को छिपाया गया था। यह बड़ी बरामदगी इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कर्नाटक का हवाला कारोबारी अपने बाथरूम में टाइल के पीछे बाकायदा उसने ये तिजोरी बनाई थी जिसमें काला खजाना छिपाकर रखा था। 5,70,00,000 के ये नए नोट हैं जो बरामद किए गए हैं। ये बाथरूम की तस्वीरें हैं। बाथरूम में टाइल खोला गया और टाइल के पीछे ये तिजोरी थी जिसमें काला खजाना छिपा के रखा गया था। कर्नाटक का हवाला कारोबारी 5,70,00,000 रुपए उसने अपने बाथरूम में टाइल के पीछे तिजोरी में छिपा कर रखे थे। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बाथरूम में टाइल तोड़ी गई और इस टाइल के पीछे ये वो तिजोरी जहां पर ये काला खजाना छुपा कर रखा गया था। बाकायदा टाइल के पीछे ये तिजोरी बनाई गई थी। देख रहे हैं आप किस तरीके से इस टाइल को खोला गया और इसके पीछे ये तिजोरी। किसी के होशो गुमा में भी नहीं होगा कि किस तरीके से बाथरूम में भी टाइल के पीछे ऐसे तिजोरी बनाकर काले खजाने को छुपाया जा सकता है। कर्नाटक का ये हवाला कारोबारी, ये 5,70,00,000 रुपए के नए नोट हैं। एक तरफ देश में आम आदमी जो एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि किसी तरीके से वो एटीएम से 2,500 रुपए निकाल सके, वहीं दूसरी तरफ ये काला खजाना। हम सीधे लिए चलते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी, आयकर विभाग को जानकारी या फिर कहा जाए सुराग कैसे लगा हवाला कारोबारी के बाथरूम में टाइल के पीछे इस तिजोरी का? देखिए बिल्कुल रुमाना, जिस तरह से जो है पूरे दक्षिण भर से बड़ी बड़ी रकम जो है सामने आ रही है, इस वक्त अगर हम इस पर्टिकुलर अगर रेड की बात करें तो कर्नाटक और गोवा के आईटी डिपार्टमेंट ने ये पूरा सर्च ऑपरेशन जो है कैरी आउट किया था हुबली और चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसमें जो है तकरीबन 5,70,00,000 रुपए के नए करेंसी, साथ ही 90,00,000 के 100 और 20 रुपए के नोट, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 28 किलो के गोल्ड बार और 4 किलो के गोल्ड की ज्वेलरी, इतनी बड़ी रकम जो है सीधे तौर पर सामने आई है। और जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से बाथरूम के टाइल्स के पीछे ये छिपा के रखी थी, हालांकि फिलहाल जो है आईटी ऑफिशियल्स ने यह जानकारी नहीं दी कि इतनी बड़ी रकम और इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन उन्हें कैसे पता चली, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आईटी डिपार्टमेंट की ओर से जरूर कह सकती है, जहां एक इतने बड़े जो है इतना बड़ा खुलासा किया है हवाला कारोबारी के पूरे पैसे बताए जा रहे हैं। हालांकि अब तक नाम जो है पूरी तरह से स्पष्ट आईटी के तौर पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी रकम सीधे तौर पर देखी जा रही है। बैक टू रुमाना जी, तो अभी नाम सामने नहीं आया है, क्या माना जाए? अभी क्या कुछ और छापेमारी हो सकती है, कामयाबी की कुछ और कड़ियां इसमें जुड़ सकती हैं, इसी वजह से ज्यादा जानकारी जो इनकम टैक्स विभाग फिलहाल शेयर नहीं कर रहा? पिंकी देखिए बिल्कुल, इनकम टैक्स जो है बहुत ही सीक्रेटली जो है इन तमाम ऑपरेशंस को फिलहाल करता नजर आ रहा है, ना ही सिर्फ कर्नाटक का, हमने कल भी देखा था जिस तरह से एक बड़ी रकम चेन्नई से भी बरामद हुई है, यानी सीधे तौर पर अब जो है पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक जो है पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है और एक के बाद एक बड़े जो है सीजर्स सीधे तौर पर देखे जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी रकम कह सकती है 5.7 करोड़ जो सारे के सारे 2,000 के नोट है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी रकम इन तक पहुंचा कौन रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आईटी डिपार्टमेंट के सामने इन तमाम ऑफिशियल्स को बाहर लाना कि ये कौन है बड़ी मछलियां जो इस तरह की जो है पैसे इन लोगों को मुहैया करा रहे हैं। जी, आप रहिए मेरे साथ पिंकी राजपुरोहित, मैं आ रही हूँ आपके पास। जरा दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखा दें। दरअसल ये बाथरूम है, बाथरूम की टाइल को खोला गया और देखिए टाइल के पीछे ये तिजोरी
जिसमें काला धन छिपा कर रखा गया था, और काला धन कितना, 5,70,00,000 रुपए। तमाम नए नोट जो बरामद किए गए हैं, करीब 32 किलो सोना बाथरूम में टाइल के पीछे इस तिजोरी से निकला है। ये वो काला खजाना जो बाथरूम में टाइल के पीछे जो तिजोरी बनाई गई थी वहां से सामने आया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में आयकर विभाग की ये छापेमारी जारी है, और उसी कड़ी में कर्नाटक के हवाला कारोबारी पर ये छापा पड़ा है। हवाला कारोबारी के घर पर बाथरूम में टाइल के पीछे ये देखिए, ये तिजोरी का दरवाजा है, टाइल से ही तिजोरी का दरवाजा बनाया गया था। ये टाइल्स खुली और ये बाथरूम में तिजोरी, जिसका दरवाजा बाथरूम की टाइल थी, ताकि किसी को शक भी ना हो। लेकिन आखिरकार आयकर विभाग इस हवाला कारोबारी तक पहुंची, उस पर शिकंजा कसा, और ये काला धन जो बरामद हुआ है, 5,70,00,000 रुपए के नए नोट बरामद हुए हैं, 32 किलो सोना बरामद किया गया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ हम उस बाथरूम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बाकायदा टाइल से दरवाजा बनाकर तिजोरी को छिपाया गया था, ताकि किसी को कहीं से कोई शक ही ना हो, कोई भनक ही ना लग सके। बाथरूम में भी तिजोरी हो सकती है क्या, इसकी तो कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन इस हवाला कारोबारी ने अपना कालाधन छिपाने के लिए यही तिगड़म भिड़ाई, बाथरूम के अंदर टाइल से छिपाकर पीछे तिजोरी बनाई। और देखिए वही दूसरी तस्वीर, ये काला धन जो बरामद हुआ है, 5,70,00,000 रुपए का ये काला धन जो बाथरूम में टाइल्स के पीछे तिजोरी बनाकर छुपाया गया था।